दूसरा आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, और इसको आप मास बाय वॉल्यूम परसेंट भी लिख सकते हैं, और तीसरा है आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे सीरियल वाइज में ये आपका फोर हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, और ये सेवेंथ आपका ppm। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ये पार्ट्स पर मिलियन उस समय एक्सप्रेस करने में काम आता है जब ट्रेस अमाउंट में आपका सॉल्यूट बहुत कम माइनूट क्वांटिटी। तो वेट बाय वेट का मतलब होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब हुआ कि वेट ऑफ ए कंपोनेंट जिसका आप निकालना चाह रहे हैं, वेट ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल वेट ऑफ द कंपोनेंट इनटू 100 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है 10% ग्लूकोज इन वाटर, या 10% ग्लूकोज इन सॉल्यूशन का, इसका मतलब क्या होगा 10% ग्लूकोज इन सॉल्यूशन। ये 10% क्या चीज का परसेंट है भाई, ये मास बाय मास है या वेट बाय वेट है। तो इसका मतलब हो गया आपका कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूट है 10% के मतलब 100 ग्राम में 10 ग्राम, और वेट बाय वेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए वेट ग्राम बाय ग्राम कट जाएगा, तो 10 तभी ना आपका 10% आएगा। देखिए 10 ग्राम ग्लूकोज बाय 100 ग्राम सॉल्यूशन इनटू 100 कर दीजिएगा तभी ना आपका 10% आएगा है। तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन का मतलब मास बाय मास का मतलब हुआ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। तो 10 ग्राम सॉल्यूट है, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100।